भांजा मोटर्स उदयपुर से मैकेनिक संदीप साहू। तो स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आपका। और देखिए दोस्त, वीडियो आज है कार्बेटर पे। तो इस पे क्या है दोस्त, देख सकते हैं आप, इतनी पुरानी गाड़ी है। ये पैशन प्लस है, ये ओल्ड मॉडल पैशन प्लस है और इस पे बहुत पुराना कार्बोरेटर लगा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा ओवर होता है। तो दोस्त, हालांकि मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं कि कार्बोरेटर ओवर हो तो कैसे ठीक करना है, पर मैं आज आपको गाड़ी पे सामने दिखाऊंगा कि ये ओवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप पहले देखिए, फिर ओवर होने के बाद मैं आपको डेफिनेटली कितना भी तेज ओवर होता हो कार्बोरेटर, मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि कार्बोरेटर ओवर होना बंद हो जाएगा। पहले तो आप देखिए, मेरा पाइप लगा हुआ पेट्रोल का पाइप लगा हुआ, तो ये ओवर हो रहा है कि नहीं पहले तो ये दिखाता हूं मैं आपको। देखिए थोड़ी, अब बने रहिए वीडियो में। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्त, इसका जो ओवरफ्लो वाला पाइप है, इस पे इसकी क्या कंडीशन है देख सकते हैं। ये आपको दिखता होगा कि ये कितना तेज ओवर हो रहा है, देख रहे हैं। और उस तरफ भी आप देख सकते हैं कि कहीं मैंने ऐसा तो नहीं किया कि स्क्रू ढीला कर दिया हो। तो आप देख सकते हैं स्क्रू पूरे तरीके से पेचकस लेके टाइट करके दिखाएं। देख सकते हैं पूरा टाइट है, पेट्रोल ओवर हो रहा है दोस्तों, पेट्रोल ओवर हो रहा है, ठीक है। अब नीचे कर लो। तो दोस्तों, मैं फटाक से कार्बोरेटर खोल लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि आपको कैसे करके ओवर, कितना भी ओवर हो, क्या है दोस्त, वीडियो में दिखाना केवल ट्रिक दिखा सकता हूं, पर मैं ये साबित नहीं कर सकता। आप स्वयं करके देखेंगे तब ये पता चलेगा कि ये सही ट्रिक है। तो देखिए दोस्त, हमारा कार्बोरेटर अब धुलाई के लिए तैयार है और देख रहे हैं आप कितना ज्यादा जो है। तो दोस्त, ये देखिए हम धुलाई कर रहे हैं, कार्बोरेटर एकदम नए जैसे झकाझक होगा। देखिए हमारे पास ये केमिकल है, इससे हम साफ कर रहे हैं। और जिस किसी भाई को पता हो कि ये कौन सा केमिकल है, देखना आपके सामने बिल्कुल नए जैसा कार्बोरेटर हो जाएगा। इतना पुराना कार्बोरेटर एकदम न्यू दिखेगा। इस कौन सा केमिकल है कमेंट करके जरूर बताएं, जिस किसी भाई को भी पता हो। देखें आप, फिर इसके बाद हम धुलाई करने के बाद आपको ये ओवर ठीक होना इसका बताते हैं दोस्त। तो बने रहिए वीडियो में। जैसे कि दोस्त देख सकते हैं, हमारी जो है कार्बोरेटर बॉडी आपके सामने, देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने केमिकल से साफ किया। और आप भी कर सकते हैं दोस्त, और कमेंट में मेरे से ये भी जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा केमिकल है, कहाँ मिलेगा, तो मैं बताऊंगा। ये बहुत बढ़िया केमिकल है, देखिए आप कितना पुराना कार्बोरेटर देखिए साफ हो चुका है, ये एकदम नए जैसे साफ हो गया है। तो अब हम फिट करते हैं और बताते हैं सबसे बड़ी बात कि ओवर कैसे ठीक होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्त, आप ये ना सोचें कि ये वॉल नया डाल दिया या ये फ्लूड नया डाल दिया, देख सकते हैं आप। तो इसको जो है थोड़ा सा हम क्लीनर से इसकी जो नॉक है वो मार लेते हैं, और ये इसके पीछे का पिन जो है देखिए आप अच्छे से देख सकते हैं, पुराना ही पिन है दोस्त, फ्लूड भी पुराना है। और अब आप देखिए, इसको हमें कुछ नहीं करना है, आपके सामने कार्बोरेटर ओवर होना बंद। तो देखिए दोस्त, इसकी बेहतरीन ट्रिक क्या है, हमें यहाँ पे इसकी जो जो ये पट्टी रहती है, यहाँ देखें आप, इसकी जो जो पट्टी है ये वाली, कौन सी ये जो पट्टी है ना, इस पे ऊपर हमें ऐसे अंगूठा रखना है एकदम सीधा, और ये फ्लूड को हमें उठा देना है, ऐसे उठाते जाना है धीरे धीरे उठाते जाना है ऐसे धीरे धीरे उठाना है, और थोड़ी देर उठा के रखना है और ऐसे छोड़ देना है।
ठीक दोस्त, अब मैं आपको दिखाता हूँ पेट्रोल इस पे भर के कि ये सही हुआ कि नहीं। ठीक है, शुरू करेंगे। देखिए हमारा ये सटक और ये हमारी कैस्केड बॉटल ये तैयार है। अब हम जो है देखिए पेट्रोल आना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये हम आपके सामने इस पे लगाएंगे और पेट्रोल बिल्कुल लेवल में आ गया तो ये समझ लो दोस्त कि कार्बोरेटर आपका क्लियर हो गया है। बहुत ज्यादा परेशानी आए तभी फ्लूड और बाल चेंज करना चाहिए, नहीं तो ये रिपेयर हो जाता है। आपके सामने आप देखेंगे कि ये रिपेयर हुआ कि नहीं। देखिए कम से कम दोस्त एक मिनट तक आप देखिए वीडियो में, सीधे लाइव देखेंगे तो ही आपको विश्वास होगा, नहीं तो क्या है आदमी को विश्वास नहीं होता। ठीक है दोस्त, अब मैं आपको दिखाऊं अगर ओवर हो रहा है कार्बोरेटर, है ना। ठीक है दोस्त, अब हम कार्बोरेटर देखेंगे कि ओवर हुआ कि नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्त कार्बोरेटर एकदम जहां तक ये पॉइंट बना होता है, देखना आप जो पॉइंट दिखता होगा ये पॉइंट जो देखिए इसका जो फ्लोड का ये पॉइंट रहता है, अब देखिए वहीं तक पेट्रोल है, दिखता होगा, देखना ये पॉइंट ये दिख रहा है आपको, ये ठीया दिखता होगा इसका रखने का, ये वाला देख सकते हैं वहीं तक पेट्रोल है। तो दोस्त अगर ऐसी समस्या है तो आप ये करके देखिए, ऐसा क्या है अगर इतना करने के बाद भी ओवर हो तो फिर थोड़ा सा आप इसको खींच दें। ठीक है, ऐसे फ्लोट को थोड़ा सा यहाँ उंगली रख के खींच देंगे, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगा, काफी दिन कार्बोरेटर चलता रहेगा। फिर आपको अगर जरूरत पड़े तो बदल सकते हैं या आप फ्लोट बाल नए डाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे एक बार और देख सकते हैं आप। देखिए दोस्त ये देखिए कितना धीमा पेट्रोल आ रहा है, मैंने जल्दी बहुत जल्दी वो कर दिया, तो देखिए आप थोड़ा और रोकता मैं तो और अच्छा, मतलब इससे ऊपर नहीं आना चाहिए पेट्रोल, थोड़ी देर आप रखेंगे तो लेवल में आ जाएगा, बाकी इससे ऊपर होगा तो ओवर होगा। देखिए आप ये पेट्रोल आपका ऐसे ठीक है आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। और दोस्तों जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं अब सारे वीडियो में मैंने आपको बताया और ये मेरा कार्बोरेटर पूरा क्लीन होके अब गाड़ी में फिट हो गया है और देख सकते हैं पेट्रोल ऑन है और यहाँ देख सकते हैं कोई ओवर नहीं हो रहा है। आपको मैं दिखा दूं, आपको शक हो कि पेट्रोल नहीं है तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्त, और अब हम स्टार्ट करके बताएंगे आपको, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट स्टार्ट होगी और कार के लिए जैसे कि आप साउंड सुन सकते होंगे। ठीक है दोस्त, बिल्कुल टूटा हुआ है, दिक्कत नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, धन्यवाद।